people, welcome to episode 2 of the Inspirational web series YouvsYou with me, Sajan Shah. Episode 2, aur ek naya surprise. Dosto, zindagi mein koi bhi muqam hasil karne ke liye ek aisi quality hai jo chahiye hi chahiye. Aur aaj main wahi ek quality reveal karne wala hu. Is quality ko main kehta hu quality of observation. लाइफ में सिर्फ जियो यूज मत करो, एक्चुअली जियो. आपको अगर ऐसा क्यों कह रहा हूं, ओके, एक साल 365 दिन 365 डेज अगर आप रिकॉल करोगे, याद करोगे, तो ज्यादातर दिन कब स्टार्ट होता है कब खत्म होता है हमको पता ही नहीं चलता, बिकॉज हमारा रूटीन लाइफ इतना कैजुअल हो चुका है. हर रोज सेम स्टार्ट, सेम रूटीन, वही शेड्यूल, वही रिएक्शन, वही सिचुएशन. और जब हर रोज का रूटीन सेम टू सेम रहता है ना, तो अचानक से अंदर से ऐसे रियलाइजेशन होता है कि लाइफ के अंदर कुछ मिसिंग है. एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, कई बार छोटे वेकेशन पे चले जाते हैं, रिलैक्स करेंगे, सोचेंगे, और जब वापस आएंगे ना, लाइफ चेंज हो जाएगी. ये सबसे बड़ा झूठ है, ओके. लाइफ कभी भी छोटे छोटे ब्रेक से या वेकेशन से चेंज नहीं होती. लाइफ को चेंज करने के लिए सबसे पहला आपका जो डेली रूटीन है, आप हर रोज कैसे जीते हो, हर एक दिन कितना पैशन के साथ काम करते हो, कितना एंथुसियाज्म रखते हो, कितना डिसिप्लिन रखते हो, कितने कमिटमेंट के साथ काम करते हो, और कितने पावर इंपैक्ट के साथ एक एक चीज को फील करते हो, उससे चेंज होती है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ना, अगर डेली रूटीन को चेंज करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो आपकी लाइफ के अंदर होनी ही चाहिए, वो है ऑब्जर्वेशन स्किल. अंडरस्टैंड वन थिंग नाउ, चीजों को देखना और चीजों को ऑब्जर्व करना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. जब आप कोई भी चीज को देखते हो और रिएक्ट करते हो, और आप जब कोई भी चीज को ऑब्जर्व करते हो और रिएक्ट करते हो, दोनों में अगेन बहुत डिफरेंस होता है. जब आप कोई भी चीज को देखते हो और अडेप्ट करते हो, जब आप कोई भी चीज को ऑब्जर्व करते हो और अडेप्ट करते हो, अगेन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो मैं यही ऑब्जर्वेशन को दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूं, तो समझना और ज्यादा इजी हो जाएगा. सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, वाइल रिएक्शन. जब आप कोई चीज का रिएक्शन देते हो, वहां पर ऑब्जर्वेशन कैसे काम आता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं, आप समझ जाओगे. लेट्स से एक दिन के अंदर आप मिनिमम 10 सिचुएशन को फेस करते हो, ओके, एक काम करो, ये 10 सिचुएशन में से कोई भी 5 सिचुएशन जो आप रूटीन लाइफ के अंदर रिएक्ट करते हो ना, वैसे ही रिएक्ट करो, और बाकी की जो 5 सिचुएशन है उसके अंदर सबसे पहले रिएक्शन देने से पहले 5 सेकंड का पॉज करो, काम डाउन, फोकस, उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो और बाद में रिएक्ट करो. आपको के साथ इससे क्या होगा, वो जो 5 सेकंड का गैप है ना, उसमें जो ऑब्जर्वेशन होगा और जो फोकस होगा, आपका रिएक्शन टोटली अलग हो जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, 80% से भी ज्यादा आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, जिसमें आप अननेसेसरी इन्वॉल्व हो जाते हो. सो पहला था ऑब्जर्वेशन वाइल रिएक्शन, दूसरा ऑब्जर्वेशन वाइल अडेप्शन. ऑब्जर्वेशन वाइल अडेप्शन सिंपली मीनिंग ये है कि हमारे सराउंडिंग के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे कई गुना बेटर है. कोई माइट बी ड्रेसिंग सेंस में बेटर है, तो कोई माइट बी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बेटर है, तो किसी का बिहेवियर अच्छा है, तो किसी का एटीट्यूड बहुत अच्छा है. अब लेट्स से अगर आपको ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट करना है, अगेन सेम रूल, आपके सराउंडिंग में से कोई एक इंसान को, वो एक क्वालिटी जो आपसे बेटर है उसके अंदर कोशिश करो उसे ऑब्जर्व करने की. कैसे करने का, लेट्स से सामने वाला इंसान अगर कोई चीज बोल रहा है, ठीक है, उसको देखो, ऑब्जर्व करो, 5 सेकंड का पॉज, काम डाउन, रिलैक्स, ऑब्जर्व करो क्वालिटी, दिमाग के अंदर सेट कर दो क्वालिटी, और वो क्वालिटी पेपर के अंदर लिखने के बाद उसके नीचे मिनिमम 3 एक्शन स्टेप्स लिखो जो आपको कंपलसरी 1 महीने तक अप्लाई करने हैं, एंड यू विल सी दैट कि वो क्वालिटी आपके अंदर ऑटोमेटिकली इंबाइब हो जाएगी. अगर ये दो चीज भी किया ना, आपकी लाइफ स्टाइल और लाइफ साइकिल दोनों की दोनों कंफर्म चेंज हो जाएगी. करोगे क्या? नहीं, कंफ्यूज. आज के एपिसोड का जो चैलेंज है आप सभी लोगों के लिए, वो ये है कि आज के दिन के अंदर ही आपको मिनिमम 5 लोगों को ऑब्जर्व करना है जो आपसे
कोई भी सेगमेंट में बेटर क्यों ना हो, सबको ऑब्जर्व करो, मिनिमम 5 लोगों को उसके अंदर से स्क्रूटिनी करो और निकालो, और वो 5 लोगों की जो 5 सबसे अमेजिंग क्वालिटी है उसे पेपर के अंदर लिख लो, और उसको पेपर के अंदर लिखने के बाद मिनिमम 3 एक्शन प्लान्स हर एक क्वालिटी के अंदर उसको नोट करो, और अपने आप को टारगेट दो कि 1 महीने के अंदर वो 5 क्वालिटी हमारे अंदर इंबाइब होनी ही चाहिए। पांच क्वालिटी से लाइफ थोड़ी बदलेगी, इट्स नॉट अबाउट 5 क्वालिटीज। 1 महीना 5 क्वालिटीज, 12 महीना 60 क्वालिटीज, और 60 क्वालिटी मोर देन इनफ है आपके पूरे साल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मार्लिन वॉस सेवेंट एक ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने हमेशा से एक चीज कही थी, टू अक्वायर नॉलेज वन मस्ट स्टडी एंड टू अक्वायर विजडम वन मस्ट ऑब्जर्व। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझिएगा और कोशिश करना है कि एग्जांपल जब तक खत्म होता है ना, आपको सिर्फ इतना ऑब्जर्व करना है कि वो एक चीज कौन सी थी जो आप ये एग्जांपल से सीखे, और वो एक क्वालिटी कौन सा था जो आप अपनी लाइफ के अंदर इम्बाइब करना चाहते हो। तैयार, रेडी? देखना नहीं है, ऑब्जर्व करना है। ओके, मैं जिस इंसान की आज बात करने वाला हूं उस इंसान को दुनिया डेन जॉनसन के नाम से जानती है, द रॉक के नाम से भी जानती है। रिसेंटली उनका जब एक इंटरव्यू हुआ था ओपरा विनफ्री के साथ, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बताई थी। डेन जॉनसन ने कहा 1995 के अंदर वो एक बेंच पर बैठे थे और उनके जेब में सिर्फ $7 थे। उस ड्यूरेशन पर डेन ने अपने आप से बात किया और कहा, इनफ इज इनफ डेन, बहुत हो चुका है, आज के बाद इतनी मेहनत करेंगे ना कि ऐसा मोड जिंदगी में वापस आना ही नहीं चाहिए। 1995 से उन्होंने ये कमिटमेंट अपने आप को दे दिया और अपने जिंदगी की शुरुआत एक पावर पैक इंपैक्ट के साथ कर दी। एंड देन सबसे पहले जब रेसलिंग की दुनिया के अंदर वो एंटर हुए तो पूरी दुनिया ने उनको द रॉक के नाम से जाना। उसके बाद जब उन्होंने हॉलीवुड के अंदर अपना करियर बनाया तो स्टार तो नहीं बने लेकिन हॉलीवुड के सुपरस्टार की कैटेगरी के अंदर से तो आ ही गए। जब वो सुपरस्टार ऑलरेडी हो गए, फिर और एक मैगजीन थी जिसके अंदर उनका एक इंटरव्यू था जिसके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल चीज लिखी थी उनके बारे में। ड्वेन का मानना यह है कि कामयाबी कभी भी रातों रात नहीं आती। ध्यान से सुनना, की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कामयाबी कभी भी रातों रात नहीं आती। लेकिन हाँ, जो इंसान हर रोज अपने आप को बेहतर बनाता है, जो इंसान हर रोज अपने आप को अपने गुजरे हुए कल से बेहतर बनाता है, कामयाबी एक दिन उसके पास जरूर आती है। ओके, नाउ अपने आप को पूछो, ये पूरे एग्जांपल से वो एक ऐसी चीज कौन सी थी जो आपके दिमाग में सेट हो गई, वो एक ऐसी क्वालिटी कौन सी थी जो आप भी अपनी लाइफ के अंदर इम्बाइव करना चाहते हो। पूछो पूछो, कम ऑन, आई एम वेटिंग। अच्छा, इसमें भी आप मेरे पर डिपेंडेंट हो, ठीक है साजन, आप ही बता दो कि कौन सी क्वालिटी है। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं ये सोचता कि यार एक क्वालिटी जो सबसे अमेजिंग है ना, वो ये है कि इंसान एक चीज अपने को सिखाया, क्या कि हमारा जो आज है, हमारा जो टुडे है, वो हमारे गुजरे हुए कल से बेटर होना चाहिए, हमारे यस्टरडे से बेटर होना चाहिए। ठीक है, कमिटमेंट, ये क्वालिटी हमको हमारे लाइफ के अंदर चाहिए ही चाहिए। 3 एक्शन प्लान्स। ओके, फर्स्ट एक्शन प्लान्स माइट बी, ओके, सबसे पहली चीज मैं ये करूंगा कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग टाइम टू टाइम उठना स्टार्ट कर दूंगा। फर्स्ट एक्शन प्लान इज दिस। सेकंड एक्शन प्लान, ओके, मैं हर रोज रात को सोने से पहले मेरा टू डू लिस्ट तैयार करना स्टार्ट कर दूंगा और मैं कमिटमेंट दूंगा कि नेक्स्ट डे रात को सोने से पहले मैंने जो कमिटमेंट अपने आप से किया है वो मैं कंप्लीट करूं। थर्ड एक्शन प्लान, एक काम करते हैं, यूट्यूब के ऊपर जितने भी इंस्पिरेशनल वीडियोस है वो सारी वीडियोस देखना स्टार्ट करूंगा, जिससे एटलीस्ट मैं हर रोज इंप्रूव होना स्टार्ट करूं, इंप्रूव होना स्टार्ट करूं, इंप्रूव होना स्टार्ट करूं। So, एक क्वालिटी, 3 एक्शन प्लान, समझ में आ गया? ऑल सेट, डन, कंफर्म, ओके। टारगेट सिंपल है, 1 महीना 5 पर्सन, हर एक पर्सन के साथ मिनिमम 3 एक्शन प्लान, 12 महीने का टारगेट, 60 क्वालिटीज। तैयार? रुको, वेट मत करना, ओके, आज से ही स्टार्ट करना है। एंड यस, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करना। चल मिलते हैं एपिसोड 3 के साथ, कुछ नए लर्निंग, कुछ नई चुनौतियां और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तब तक के लिए आओ, जो अलविदा, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, गुड बाय एंड जय हिंद।